Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12, Chapter Number 6, Retirement of a Partner. Till now we have solved the sums of retirement, now we'll be dealing with the sums of death of a partner, we can say. So question number 16, Kamal, Bimal and Vimal are partners having profit and loss in the ratio of 1:2:3. The balance sheet for shows following balances on 31/3/16. Capital of Kamal is 10,000, Bimal 20,000 and Vimal is 30,000. General reserve, loan of Vimal and goodwill is given. Vimal died on 31/5/16. हमें balance देख रहेगा 31/3/16 का. Vimal की death होती है 31/5/16. मतलब कि दो महीने का हिसाब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा. Okay. Following conditions are provided in the partnership deed. Goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of the average profit of last 3 years. अब last 3 years का profit आपको देखे रखा है. So 25,000, 40,000, 25,000. Profit share of deceased partner or the death partner जो है, till the rate of death is to be decided on the base of the average profit of the last 3 years के बेस पे उसके profit का हिस्सा भी दे देना है. और capital पे interest देना मुझे यहाँ पे 12%. तो prepare the column of Vimal's capital account. Just we got to prepare Vimal's capital account. तो बना दो Vimal's capital account. Particulars rupees. Debit credit. Around 10 lines का. Particulars rupees. Around 10 lines का. Only हमें बनाना है Vimal's capital account. Nothing else. ओके सो एडजस्टमेंट नंबर 1 जो आपको देके रखा है वर्किंग लिखो वर्किंग नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आपको लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट देके रखा है तो लिखो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 25,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000 is equal to 90,000 then likho average profit equal to total profit upon total number of years 90,000 divided by 3 equal to 30,000 average profit aa gaya mera pe 30,000 goodwill equal to average profit multiplied by number of years purchase $30,000 × 2 = $60,000 फिर लिखो Vimal's शेयर ऑफ गुडविल Vimal का हिस्सा कितना है Vimal's शेयर ऑफ गुडविल $60,000 × 3/6 $30,000 ओके ये जाएगा गेन रेशियो में जो कि 1:2 है लिख दो Vimal's कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 3-4 लाइन छोड़ने के बाद Vimal's कैपिटल अकाउंट जो बना है उसमें क्रेडिट साइड पे 3-4 लाइन छोड़ने के बाद बाय कमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 10,000 बाय Vimal's कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 20,000 ये मैंने दे दिया गेन रेशियो में ओके Vimal का अपना गुडविल का शेयर मिल गया उसके बाद क्या लिखा है प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट का भी उसको हिस्सा मिलेगा ओके नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ Vimal वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ Vimal एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय लिखो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 upon 12 क्यों दो महीना रहा 31 मई को तो चला गया मल्टीप्लाई बाय 2 upon 12 मल्टीप्लाई बाय 3 upon 6 उसका हिस्सा देयरफॉर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 upon 12 मल्टीप्लाई बाय 3 upon 6 30,000 × 2 upon 12 × 3 upon 6 equal to rupees 2500
लिख दो वीमर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2500। ओके फिर क्या लिखा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके 12% है, लेकिन वो भी दो महीने का ही मिलेगा। लिखो, सीधा ही लिख दो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, पहले लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे ऊपर क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 है ना उसका कैपिटल। उसके बाद उसके नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट कर लो, ब्रैकेट में लिखो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मतलब 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12 ₹600, लिख दो 600 ऑटो कॉलम में। 30,000 पे 12% दो महीने के लिए ₹600 का इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व का भी हिस्सा इसको मिलेगा, एडजस्टमेंट तो होगा जो उसको ऊपर से मिलेगा इससे। लिखो उसमें पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय जनरल रिजर्व, ब्रैकेट लिखो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 12,000। उसके बाद लोन ऑफ वीमल लिख दो वहीं पे पार्टनर्स कैपिटल में वीमल्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय लोन 10,000। वीमल ने मेरे फर्म को लोन दिया था तो उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा दो महीने के लिए। उसके नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट बनाओ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12 10,000 पे 6% दो महीने के लिए 100, लिख दो अमाउंट 100। और कुछ मिलेगा, हाँ गुडविल, गुडविल तो लिखेंगे डेबिट साइड पर। लिखो वीमल्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख दो 2 गुडविल, ब्रैकेट बनाओ 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 6,000, लिख दो गुडविल के 6,000, ठीक है। जो जो हिस्सा विमल को मिलना चाहिए था हमने उसको वो सारा दे दिया, गुडविल दे दिया, प्रॉफिट का उसका हिसाब दे दिया मैंने उसको, कैपिटल पे उसको 2 महीने का इंटरेस्ट दे दिया, रिजर्व का उसको पूरा हिस्सा दे दिया, उसे कैपिटल का अमाउंट दे दिया, उस पर मैंने इंटरेस्ट दे दिया, लोन का अमाउंट दे दिया उस पर इंटरेस्ट दे दिया मैंने, गुडविल डेबिट पर लिख दिया। तो जो जो पार्टनर्स को मिलता है वो सब उसको मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब क्लोज करते हैं, जरा एक बार चेक कर लो, बैलेंस कैट डाउन लिखा है अपने 30,000, फिर लिखा है लोन 10,000, जनरल रिजर्व 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600, इंटरेस्ट ऑन लोन 100, कमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 10,000, वीमल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस 2500। ये क्रेडिट के फिगर मैंने बताए, प्लस करते हैं तो अमाउंट मिलता है मुझे 85,200, टोटल लिख दो 85,200 ऑन बोथ द साइड, 85,200 ऑन बोथ द साइड। उसमें से डेबिट में 6,000 आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा आपका 79,200, लिख दो उसमें टू वीमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब मरने के बाद जो पैसे लेने के आता है, जो पैसे का हिसाब करने आता है, देयर इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटर। लिखो डेबिट साइड पर टू वीमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 79,200। ओके है बहुत ही सिंपल सा सम डेथ वाला, बट थोड़े चांसेस कम है एग्जाम में पूछने के, बट स्टिल अगर अपने पास टाइम है सो गो फॉर इट। इट्स नॉट श्योर कि भाई एग्जाम में पूछे कि ना पूछे, हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो विल सॉल्व द सम ओके ऑफ डेथ इवन इन द सेकेंड सम 17। सम नंबर 17 में आपको कॉलम बता देता हूँ कौन से कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं। पहले ड्रॉ करना है आपको, कौन जा रहा है पढ़ना, टी बोला गया होगा, क्या ड्रॉ करना है, एग्जीक्यूटिव अकाउंट ड्रॉ करना है। तो पहले आपको ड्रॉ करना है टी इज कैपिटल अकाउंट, 4-5 लाइन का टी इज कैपिटल अकाउंट
कॉलम्स आएंगे, पर्टिकुलर स्टूपीज पर्टिकुलर स्टूपीज, चार लाइन का ड्रॉ करना। उसके बाद ड्रॉ करना टीज एग्जीक्यूटेड अकाउंट, जो मैं बोला गया है टीज एग्जीक्यूटेड अकाउंट, उसमें भी कॉलम वही सेम रख देना, पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस। ओके, ये कर देना ड्रॉ अराउंड 10 लाइंस का, 10 टू 12 लाइंस का ड्रॉ यहाँ पे कर देना। ओके ना, तो इन द नेक्स्ट सम कॉलम्स के साथ हम लोग मिलेंगे यहाँ पे। कॉलम्स रेडी होंगे तो हम इजीली यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व यहाँ पे कर सकेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सम्स बिकॉज दिस अ न्यू वन, डेथ वाला है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सम्स, माइट बी पॉसिबल दे विल आस्क इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, इट्स नॉट क्वाइट श्योर। पूछेंगे नहीं पूछेंगे कुछ पता तो होता नहीं है, डेथ के सम इतने छोटे हैं, शायद ना भी पूछो शायद पूछ भी ले, तो वी डू डोंट वॉन्ट टू टेक द रिस्क। सो बेटर आप प्रैक्टिस करते रहना। ओके, टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ कीप लर्निंग।